सोलर फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूँ आपसे सबसे पहली न्यूज़ के बारे में, सबसे पहली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल के आती है रियलमी की तरफ से। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि रियलमी 8i और रियलमी 8s इन दोनों स्मार्टफोन की जो कन्फर्म इंडिया लॉन्च डेट है वो यहाँ पर निकल के आ चुकी है। ये जो दोनों स्मार्टफोन है वो इंडिया में 9 सितंबर को दोपहर के 12:30 बजे लॉन्च होने वाले हैं। जो रियलमी 8s स्मार्टफोन है बेसिकली वो एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है और जो रियलमी 8i स्मार्टफोन है वो एक 4G स्मार्टफोन है। अब यहां पर रियलमी 8i स्मार्टफोन की पूरी जो कंफर्म फीचर्स हैं वो निकल के आ चुके हैं। रियलमी 8i स्मार्टफोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G96 का प्रोसेसर, आपको IPS डिस्प्ले पैनल यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी और 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले यहां पर दी गई है। उसके साथ आपको 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा पीछे की साइड दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 30W या फिर 33W का चार्जर सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरे कंफर्म फीचर्स हैं। उम्मीद है कि 14-15 हज़ार रुपए की प्राइस पे ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर लॉन्च किया जाएगा। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में। दोस्तों, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाती है टेक्नो की तरफ से। आज टेक्नो का एक नया स्मार्टफोन यहां पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया, जिससे इसका जो लॉन्च है वो 100% कंफर्म हो जाता है। यहां पर टेक्नो का ये जो नया स्मार्टफोन, इसका नाम है टेक्नो कैमॉन 18। ये जो स्मार्टफोन है वो कंफर्म हो गया है। इसमें आपको मिलेगा हीलियो G88 का प्रोसेसर और 6GB की रैम। अब देखा जाए तो Redmi 10 Prime स्मार्टफोन को कंपीट करने के लिए काफी सारे नए स्मार्टफोन सेम उसी प्रोसेसर पे लॉन्च होने वाले हैं और यहां पर Redmi 10 Prime स्मार्टफोन को काफी हद तक टक्कर मिलने वाली। तो ऐसे में स्मार्टफोन को काफी एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च करना पड़ेगा। यहां पर जो टेक्नो कैमॉन 18 सीरीज के डिवाइसेस हैं वो ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए Geekbench पे और इनका जो लॉन्च है वो बहुत ज्यादा नियर है। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में। दोस्तों, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाती है Redmi की तरफ से और Redmi वाले मतलब मानने वाले नहीं है। अभी कुछ दिन पहले Redmi के काफ़ी सारे स्मार्टफोन की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, जिसमें Redmi Note 10 स्मार्टफोन ऐसा स्मार्टफोन है जिसकी 4-4 बार प्राइस यहां पर बढ़ा दी गई है। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ इन्फॉर्म कर दूं कि Redmi के कुछ 7 नए ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनकी जो प्राइजेज हैं वो फिर से आज यहां पर इंक्रीज हो गई हैं। 2 सितंबर को प्राइजेज इंक्रीज की गई हैं और इनकी जो प्राइस लिस्ट है वो यहां पर निकल करके आ चुकी है। पहला स्मार्टफोन है Redmi 9i। इस स्मार्टफोन का जो बेस ब्रांड है इसकी जो प्राइस है वो 300 रुपये बढ़ा दी गई है। अब 300 रुपये महंगा आपको मिलेगा। उसके साथ में बाकी के जो स्मार्टफोन है इनकी जो प्राइसेस हैं वो 500-500 रुपये बढ़ाई गई हैं। मैं आपको नाम लिख करके बता देता हूँ। पहला स्मार्टफोन है Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power, Redmi Note 10 T5G दोनों वेरियंट हैं। उसके साथ में Redmi Note 10S 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरियंट की 500 रुपये प्राइस इंक्रीज कर दी गई है। तो Redmi 9i स्मार्टफोन की 300 रुपये, बाकी जो स्मार्टफोन के नाम मैंने लिए उनकी जो प्राइसेस हैं वो 500 रुपये यहाँ पर इंडिया में बढ़ा दी गई हैं। अब Redmi वाले क्या करना चाह रहे हैं, कितनी प्राइस ये लोग बढ़ाएंगे, कुछ इनका समझ में नहीं आ रहा है। आपका क्या ओपिनियन है प्राइस इंक्रीज के बारे में? अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल गए थे Redmi की तरफ से। दोस्तों, आज यहां पर Redmi का एक नया स्मार्ट वॉच इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जिससे इसका जो लॉन्च है वो यहां पर कंफर्म हो जाता है। तो Redmi के स्मार्ट वॉच भी जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में। दोस्तों, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल गए थे Vivo की तरफ से। दोस्तों, यहां पर Vivo X70 Pro ये जो स्मार्टफोन है वो टेना सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है। साथ में इस स्मार्टफोन का जो बॉक्स है और इस स्मार्टफोन की जो लाइव इमेज है वो भी निकल के आ चुकी है। स्मार्टफोन जो है वो 9 सितंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको मिलने वाली 6.56 इंचेस की FHD कर्व डिस्प्ले और यहां पर आपको 165Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले दी गई है। आपको 50MP का क्वाड रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। इसके साथ में LED फ्लैश भी पीछे की साइड दी गई है। यहां पर आपको 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो ये पूरी डिटेल है Vivo X70 Pro स्मार्टफोन के बारे में। जल्दी ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। बात करूँ आपसे अगली न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति की क्वेश्चन को लेकर के। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूँ कि रियलमी 8 स्मार्टफोन की प्राइस इंक्रीज कर दी गई है। अब यहाँ पर इस स्मार्टफोन पर एक ऑफर चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर। अगर आप रियलमी 8 स्मार्टफोन को खरीदते टाइम किसी भी अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो आपको 15,000 रुपये तक का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो है 16,000 रुपये और 15,000 रुपये एक्सचेंज वैल्यू मिल रही है। सब्सक्राइबर ने पूछा कि हम किस स्मार्टफोन को एक्सचेंज करेंगे कि हमें 15,000 रुपये का वैल्यू देखने के लिए मिलेगा, तो हम 999 रुपये में रियलमी 8 स्मार्टफोन को खरीद पाएंगे। तो देखो यार, जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम यहाँ पर रखी जाती है कि आपको 15,000 रुपये तक का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा।
ये यहाँ पर नहीं कहा जा रहा कि आप किसी भी स्मार्टफोन को एक्सचेंज करेंगे तो आपको 15,000 का एक्सचेंज वैल्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल ही जाएगी। जो एक्सचेंज वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपके स्मार्टफोन के मॉडल पे, आपका स्मार्टफोन किस कंपनी का है, उसकी प्राइस कितनी थी जब आपने परचेज की थी, और यहाँ पर वो मॉडल कौन सा है, इसके साथ में आपने अपने स्मार्टफोन को कितने साल यूज किया है, कितने साल पुराना है, साथ में उस पर स्क्रैचेज हैं, डेंट वगैरह है, क्या चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो फाइनल प्राइस है वो यहाँ पर डिसाइड होती है और उसके बाद में आपको एक्सचेंज वैल्यू देखने के लिए मिलती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी 30-35-40,000 रुपए का स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आप उसको एक्सचेंज करेंगे तो जाकर के आपको यहाँ पर 15,000 रुपए जो एक्सचेंज वैल्यू है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो यार कोई भी व्यक्ति Realme 8 स्मार्टफोन को खरीदने के लिए अपने 40,000 रुपए वाले स्मार्टफोन को एक्सचेंज नहीं करना चाहेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 10,000 रुपए 12,000 रुपए का कोई भी स्मार्टफोन यूज करें तो आप उसको एक्सचेंज करके बाकी जो पैसा उसे पे करके आप यहाँ पर स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आप इस स्मार्टफोन को एक्सचेंज करेंगे तो आपको 15,000 रुपए का यहाँ पर जो वैल्यू है वो देखने को मिलेगी। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है रेडमी की तरफ से। दोस्तों रेडमी 10 प्राइम ये जो स्मार्टफोन है कल इंडिया में 12 बजे लॉन्च होने वाला है। अब यहाँ पर इस स्मार्टफोन की प्राइस को लेकर के कुछ डिटेल निकल करके आई है। कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट है वो इंडिया में 9,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाला है। तो फिलहाल अब एक ही दिन बचा है, देखते हैं आखिर कल ये जो स्मार्टफोन है वो किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च होता है। बात करूंगा आपसे अगली न्यूज़ के बारे में। अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल रहे थे Realme 9 स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च डेट को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर कल मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि Realme 9 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो अक्टूबर के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल रही है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन है वो मिड अक्टूबर में यहाँ पर लॉन्च हो सकते हैं और इनकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर के आसपास में ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है, वैसे जल्दी ये जो स्मार्टफोन है आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो भी निकल जाती है रेडमी की तरफ से। दोस्तों रेडमी के काफ़ी सारे स्मार्टफोन आजकल यहाँ पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए हैं, ऑनलाइन सर्टिफाई हो रहे हैं और ज़्यादातर जो स्मार्टफोन है वो इंडिया के लिए ही सर्टिफाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि मे बी कहीं ना कहीं रेडमी प्लानिंग कर रहा है अपने रेडमी के अपकमिंग नोट सीरीज़ के अगले स्मार्टफोन के बारे में जो कि होगा रेडमी नोट 11, और जो स्मार्टफोन यहाँ पर ऑनलाइन सर्टिफाई हुए हैं उनमें से पॉसिबल है कि रेडमी नोट 11 सीरीज़ के भी स्मार्टफोन हो सकते हैं। तो रेडमी नोट 11 सीरीज़ के भी स्मार्टफोन जल्दी ही यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों फाइनली ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। अब आपका क्या कहना है सभी चीज़ों के बारे में, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।